हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 9, सब्जेक्ट SST, चैप्टर नंबर 4, क्लाइमेट। टुडेज टॉपिक इज सीजन्स। द सीजन इज डिवाइडेड इन 4 टाइप्स। 4 मेन सीजन कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया। फर्स्ट, the cold winter season is called to winter, the hot weather season is called to summer, the advancing monsoon is called to rainy season, and fourth is the retaining monsoon with some regional variation is called to translation season. Let's discuss each for the them in detail. The cold weather season called winter. Winter beginning of mid-November in northern India and stay till February. It means जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में जो शीत ऋतु का प्रारंभ mid of November, नवंबर के मध्य से होता है और ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी के एंड तक चलता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तर भारत है, वहाँ पे दिसंबर और जनवरी में सबसे ज्यादा जो ठंडे महीने के रूप में देखे जाते हैं। द टेम्परेचर डिक्रीज इन साउथ टू नॉर्थ। जो साउथ से नॉर्थ तक जाते समय जो टेम्परेचर यानी कि जो तापमान है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। डे आर वार्म एंड नाइट आर कोल्ड। जो विंटर सीजन होती है उसमें जो दिन के मुकाबले जो रातें हैं वो ज्यादा ठंडी होती हैं, यानी कि दिन में तापमान थोड़ा ज्यादा होता है जबकि रात को तापमान 0 डिग्री जमाव बिंदु तक भी पहुंच जाता है। द विंटर इज मार्केड बाय क्लियर स्काई, low temperature and low humidity and variable winds। यानी जो विंटर्स होती है उसमें क्लियर स्काई यानी कि आसमान साफ होता है, लो टेम्परेचर यानी कि बहुत कम तापमान होता है, ह्यूमिडिटी बहुत लो होती है और जो हवा की जो गति है वो भी बहुत धीरी मध्यम गति की हवा चलती है। द सीजन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रवि क्रॉप। यानी कि जो रवि की फसल है उसके लिए ये जो विंटर का सीजन है वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना जाता है। रवि की फसल इस विंटर सीजन में मोस्टली देखने को मिलती है। जैसे कि सेकंड सीजन इज द हॉट विंटर सीजन इज कॉल्ड टू समर, इट मीन्स ग्रीष्म ऋतु। From March to May, hot weather season in observed in India, यानी कि जो भारत है, भारत में पूरे जो भारत में मार्च और मई के मध्य में जो हॉट सीजन यानी कि ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलती है। The summer month experience rising temperature and filling air pressure in the northern part of the country. जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें हमें जो बहुत ज्यादा तापमान यानी कि जो इस समय में ग्रीष्म ऋतु में तापमान बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण जो एयर प्रेशर है वो नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री यानी कि जो उत्तर भारत में हमें एयर प्रेशर यानी कि वायु दाब देखने को मिलता है। द स्लिकटिंग फीचर्स ऑफ द हॉट विंटर सीजन इज लू। लू इज द स्ट्रांग गैस्टली हॉट ड्राई विंड ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। मतलब जो इस जो सीजन है, जो ग्रीष्म ऋतु है, उसमें जो हवाएं चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में लू बोलते हैं। जो स्ट्रांग होती है और हॉट एंड ड्राई होती है और ये पूरे नॉर्थ भारत में बहती है। टूवर्ड द क्लोज द समर सीजन प्री मानसून शावर कम विच हेल्प इन द अर्ली
रिपेजिंग ऑफ मैंगोज एंड द ऑफन रेफर टू मैंगो शावर। जब जो गर्मियों की जो ऋतु होती है उसकी समाप्ति से पहले प्री मानसून यानी कि मानसून से पहले की जो बारिश होती है वो मैंगोज यानी जो आम है आम की फसल को पकाने में महत्वपूर्ण योगदान रखती है, इसलिए इसे हम मैंगो शावर यानी कि आम्र वर्षा भी कहते हैं। सो स्टूडेंट वी डिस्कस इन दिस वीडियो टू टाइप ऑफ सीजन, फर्स्ट विंटर सीजन, सेकेंड इज समर सीजन। नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस टू अनदर टाइप ऑफ द सीजन्स, एडवांसिंग मानसून एंड रिटर्निंग मानसून सीजन। थैंक यू। लास्ट वीडियो वी डिस्कस द टू सीजन, विंटर सीजन एंड द समर सीजन। दिस वीडियो वी डिस्कस द एडवांसिंग मानसून सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड इन रेनी सीजन। साउथ ईस्ट ट्राइड विंड्स ओरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ साउथर्न ओशन, यानी कि जो साउथर्न ओशन है यानी कि जो हमारे जो दक्षिणी जो सागर है उस पर जो विंड है, साउथ ईस्ट की जो व्यापारिक जो हवाएं हैं वो एक इस तरीके का जो वार्म डेवलप करती है जिससे कि वहां पर मानसूनी हवाएं चलना प्रारंभ होती है। दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन साउथ वेस्टली डायरेक्शन एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला एज साउथ वेस्ट मानसून। ये जो हवाएं हैं वो इक्वेटर यानी कि जो हमारी जो भूमध्य रेखा है उससे गुजरते हुए जो भारत की ओर बहती है और भारत में साउथ वेस्ट मानसून के रूप में प्रवेश करती है। द मानसून विंड कवर द कंट्री इन अबाउट ए मंथ, जो एक महीने के अंदर अंदर ये जो मानसूनी हवाएं हैं वो पूरे भारत को कवर कर लेती है, पूरे भारत में छा जाती है। मानेसराम इज द साउथर्न रेंज इज द काशी हिल रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो मानेसराम जो एक क्षेत्र है काशी हिल पर वो वहां पर विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है। ए फेनोनामा एसोसिएट विद द मानसून इज द टेंडेंसी ऑफ हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल, मतलब जो मानसून होता है मानसून की एक प्रतिक्रिया होती है कि वो टुकड़ों में बारिश करता है, जो बरसात होती है वो धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में होती है। दिस ब्रेक इज मानसून आर रिलेटेड द मूवमेंट ऑफ द मानसून थ्रॉड, इसे जो ये जो ब्रेक आता है ये जो धीरे धीरे टुकड़ों में जो बारिश होती है वो मूवमेंट ऑफ मानसून थ्रू यानी कि जो मानसून की जो मूवमेंट है मानसून की जो हलचल है गतिविधि है उससे संबंधित होती है। द ट्रॉड एंड द एग्जिट कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड द डिटरमाइंड ऑफ स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन, मतलब इसमें हम देखते हैं कि साउथ वर्ल्ड और जो नॉर्थन वर्ल्ड है उसमें जो रेन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडिंग ऑफ ट्रॉपिकल डिपेंजेशन ऑफ डिटरमाइंड द अमाउंट एज ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन, द मानसून इज नॉन एज अनसेंटिबिलिटी एंड अल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड वीट स्पेल्स वर इन इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्यूरेशंस यानी कि जो उसकी जो गति का काल है वो धीरे धीरे बदलता रहता है, तो जो मानसून है वो धीरे धीरे आकर और उसके बाद में पूरे भारत में बारिश करने के बाद वो रिटर्निंग की कंडीशन में आ जाता है। सो स्टूडेंट वी लर्न द सीजन, द फोर टाइप ऑफ द सीजन इन इंडिया। फर्स्ट इज विंटर सीजन इज द मिड ऑफ नवंबर टू फरवरी। सेकेंड इज द हॉट सीजन इट्स कॉल्ड टू समर सीजन इज टू द स्टार्टिंग फॉर द अप्रैल
एंड द मिड ऑफ द जून, थर्ड इज द मानसून सीजन स्टार्टिंग द मिड ऑफ द जून एंड मिड ऑफ द सितंबर. सो स्टूडेंट, वी आर कंप्लीट द टॉपिक ऑफ द सीजन. थैंक यू.